हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी डी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि आईबी और डीआरडीओ के लिए आपके लिए मैथ्स का स्पेशल सीरीज लेकर चल रहा हूँ, उसी सीरीज में जो नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस नंबर सिस्टम का ये 9th टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत संख्याओं पर आधारित कुछ सवाल हैं और इसको कैसे अप्लाई करना होता है ये हम देखेंगे। जो प्रीवियस वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाइए, वो डीआरडीओ एंड आईबी का प्लेलिस्ट है मैथ का भाई प्रदीप सर, उसमें आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप टीडीए टेस्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप डीआरडीओ आईबी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, सारे के टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आपको बताया कि ये कंसेक्यूटिव नंबर का सीरीज है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो इवन हो, ऑड हो या नॉर्मल कंसेक्यूटिव हो, उससे रिलेटेड ये सीरीज है जिसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, बोलता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी फर्स्ट फर्स्ट एन नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ दिया। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या है कि मान लीजिए एक से स्टार्ट किया, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार सो ऑन प्लस एन, बोल देगा कि इसका सम बताइए। ठीक है, मतलब क्या बोल सकता है कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस 10, इसको जोड़ के बताइए। तो ये कैसे निकलता है उसके लिए ये हम सब फॉर्मूला देखने वाले हैं, सम ऑफ सीरीज बोलते हैं इसको, राइट। तो पहला फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्लियर बात। दूसरा आ जाइए फॉर्मूला नंबर टू, फर्स्ट एन सम का यानी इवन नंबर का, पहला एन मतलब तो लास्ट नंबर, पहला एन इवन नंबर्स का जो सम होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ये आप रट के रखिए, याद रखिए, इसमें समझने वाला है नहीं, याद रखिए, फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है एक से लेकर एन तक, एक से लेके एन तक यानी एक से स्टार्ट होगा एन तक की सम संख्याओं, यानी एक से एन तक जितने, मान लीजिए जैसे एक से लिख दिया 50 तक, बोल देगा इसके अंदर जितने सम संख्या यानी जितने इवन नंबर से उनका सम क्या होगा, तो वो होता है एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन, एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन, दिख रहा है बराबर। ठीक है, प्रथम एन विषम संख्या यानी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो ये होता है एन स्क्वायर, क्या होता है ये एन स्क्वायर। ठीक है, अगला फिर आ जाइए नेक्स्ट, एक से लेके एन तक यानी वन टू एन विषम संख्याओं का योग, देखिए यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है क्या आपका एक से एन तक विषम संख्याओं का योग, विषम यानी ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर का सम। ठीक है, तो ये क्या हो गया एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है एक से लेके एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग मतलब स्क्वायर, योग मतलब स्क्वायर, दिख रहा है बराबर। ठीक है, योग मतलब स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, बोल देगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर सो ऑन एन स्क्वायर, थ्री एन मतलब यहाँ मान लीजिए 10 स्क्वायर बोल दिया, तो बोल रहे इसका सम क्या होगा, तो इसका सम निकालने के लिए नहीं कि 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100, ऐसे नहीं करना होता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है आपको। वो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, टोटल 9 फॉर्मूला है, ठीक है, अगला 3 देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने 6 देखा, 3 और है, टोटल 9 देख के इसके बाद 3 और क्वेश्चन देखेंगे और इसको खत्म कर देंगे, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर बेस करके 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी चीजों आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर पाए। स्पेशली आईबी और डीआरडीओ को फोकस करके मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी राम सर वगैरह का भी लेक्चर आएगा यूपीएसआई के लिए, तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं यूपीएसआई को या कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए, तो डेडिकेटेड होकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला तक क्या है कि एक से लेके एन तक यानी एक से लेके एन तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब, मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है
कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 अप टू 10 क्यूब का वैल्यू क्या होगा। समझे कि नहीं बात? तो जब आप इसको दिख रहे हैं बराबर, ठीक है, जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक से लेकर एन तक की सम या विषम, इवन या ऑड संख्याओं का योग, सम इवन हो या ऑड हो, उनका एक से लेकर एन तक का क्या रहेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 6, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 6, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, प्रथम एन सम क्रमागत यानी इवन, फर्स्ट क्रमागत मतलब होता है कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है ऐसे सो ऑन चलता है, चूंकि ये क्रमागत है तो 2 4 6 8 ऐसा चलेगा, क्योंकि ये इवन कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, सम क्रमागत संख्या, तो सम क्रमागत संख्या का वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर, यानी इसका मीनिंग ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा आंसर। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला होता है 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। देख लीजिए वापस, 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये अपना टोटल 9 फॉर्मूला हुआ, और इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है उसको लेके आइए हम 3 सवाल देखते हैं। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कंसेप्ट हमने 9 देखा उसके ऊपर बेस करके 3 सवाल मैं लेके आया हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल करना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता है कि 1 से लेकर 16 तक की सम प्राकृतिक, यानी क्या बोलते हैं, इवन प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, यानी ये आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा इन्फिनाइट तक जाएगा, इसके बीच में जो इवन नंबर हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 16 तक, उन संख्याओं का, उन नंबर्स का सम क्या होगा, ये सवाल है। अब देखिए अभी आप करने जाएंगे इसको, दिख रहा है बराबर, ठीक है, अभी आप करने जाएंगे इसको तो सॉल्व करने जाएंगे, आप इसको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 12 16 तो संभव नहीं, क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला है, पहली बात तो जान लीजिए कि जो, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 × n/2 + 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे n क्या है, तो ये नहीं, ये मतलब 16 है आपका n का वैल्यू। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16/2 × 16/2 + 1, अब देखिए अगेन सॉल्व कीजिए, 2 8 16 ये 8 हो गया प्लस 1 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया, ये 72 हो गया, समझे, यानी पहला 1 से लेकर 16 तक का सम प्राकृत संख्याओं का जो योग है, जो सम है वो है 72। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है प्रथम यानी फर्स्ट 16 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, समझेंगे बात। देखिए जब इवन रहेगा तो n इंटू एन प्लस वन होता है, और जब ये ऑड होता है तो ये होता है n स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है आपका, इसको n मान लीजिए, यानी n स्क्वायर आपका डायरेक्ट आप उसको कर दीजिए, तो क्या हो गया, n का वैल्यू कितना है आपका 16, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और यही आपका आंसर है। मैथ्स आप करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम मिनिमम 20 तक टेबल 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, तो ही आप मैथ्स में कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फिर मैथ्स सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन 3, ये आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। बाकी वीडियो देखने के लिए आप, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है, दिख गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप TDL लर्निंग के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे DRDO & IB का प्लेलिस्ट है, DRDO & IB मैथ भाई प्रदीप सर, वहाँ से देखिए। तब तक TDL चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और TDL टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।